इज मी आरजे सुंदर श्यास। आज हम लोग आए हैं मिस रूबी के सैलून में। उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था और उन्होंने न्यू सैलून की एक न्यू ब्रांच है उनका। इससे पहले भी है शेयर्स। कहाँ पे है उनका वो पहले वाला सैलून? पहले वाला सैलून उनका जो था वो एक्चुअली मैं मिस रूबी के साथ डिफरेंट शोज पे ही मुलाकात होती रही है, तो मुझे उनके सैलून का डिफरेंट। ओके जी, मैं पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इन लड़कियों का प्यारी लड़कियों का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ओके जी, ये है मॉडल शेस। हेलो, ओह माय गॉड, इनको आपने मेरे साथ एक ब्लॉग में देखा भी था और ढेर सारे आप लोगों ने कैंप के लिए देखा था। नहीं वो नहीं, वो उसके अलावा भी कुछ स्टोरीज थी ना जो मैंने स्नैपचैट पे ऐड की थी और लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार ये लड़की कौन है, इंस्ट्रक्शन देने वाला ये लड़की डायरेक्टर है, ये लड़की कौन है ना। तो मैंने कहा यार मैं बन जाती हूँ जब मुझे लगे कि लोगों में टैलेंट बाहर निकालना है तो किसी न किसी लोगों में टैलेंट पुल आउट करना पड़ेगा। शाइनेस होती है इस फील्ड में, डर भी होता है, तो सारी चीज़ें पर हमें देख के उनको प्रमोट करना पड़ेगा। ओके जी, ये है मेरे साथ। अच्छा, इनका ना बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा मैं करवाऊँगी। इनका नेम ज़ारा है और ये बस FM की जो है वो स्टेशन मैनेजर है, मगर इसके अलावा ये बहुत कुछ कर चुकी हैं अपनी लाइफ में। और मुझे वो क्या, ये मेरे सामने उस तरह जिस तरह लाइब्रेरी नहीं होती एक प्यासा जाए और वहाँ से अपनी प्यास बुझाए, ये मेरे लिए वो है क्योंकि मुझे इनसे बहुत कुछ लर्न करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं। अरे इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन तो आपने करवा दिया। मैं इस वक्त जो हूँ बस FM की स्टेशन मैनेजर हूँ, पेंटर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, बहुत कुछ करती हूँ और अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। और ये माशाल्लाह इतनी क्यूट सी बंदी है, इस बंदी के साथ हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेज, शी इज़ द ब्यूटी आइकॉन। अच्छा शेज, सो मच आया। कभी आपको ये सुनने में मिला है कि कुछ खाया करो? बहुत मुझे भी मिलता है, क्या जवाब करो यार, मेरे सामने ऐसी बातें। मैंने आज तक कभी डाइट नहीं किया, चीज़, ब्रेड्स एंड एग्स और जो मिल्क की प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाती हूँ, सारे फाइबर कार्बोनेट्स डाइट्स में ले रही हूँ। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि लोग यहाँ पेट भर के खा लेते हैं, तो थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। बिट्स में खाएँ, छोटी छोटी लाइक ब्रेक्स में आप खाएँ। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि स्किन, हम लोग क्योंकि हम लोग आए भी सैलून में हुए हैं ना, तो हम लोग लड़कियाँ, खवातीन, फैशन की बातें, स्किन की बातें, बालों की बातें। अच्छा स्किन केयर के लिए आप क्या करती हो? स्किन केयर के लिए मैं कोई प्रोडक्ट बाहर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फेशियल्स यूज़ नहीं करती मैं, टोटली ऑर्गेनिक, बिकॉज मेरी एज ऑलमोस्ट लाइक इस चीज़ की डिमांड करती है कि इस सोसाइटी में और इसमें जितना भी आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक आप रहेंगे उतना आप यंग लगेंगे फॉर लाइक मोर देन 10 ईयर्स। सो इफ़ यू वॉन्टेड टू स्टे यंग, कुछ तो बताएं ना, मतलब कोई फेस वॉश, कोई रात की अपनी रात की रूटीन बता दें। मेरा यूज़ करें अपने फेस पे फेस मास्क, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है जो पर्सनली मेरी रेकमेंडेड है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो यू वुड सी कि ये ग्लो सारा। मुल्तानी मिट्टी और एक और क्या, एलोवेरा और कॉफ़ी मास्क, और कॉफ़ी मास्क में थोड़ा सा हनी ऐड करके। सुबह को, सुबह की बताएं, रात की बताएं, कुछ पानी बहुत पिए बस। अच्छा आप बताएं मिस ज़ारा। हाँ जी, मेरी सेहत से लग नहीं रहा, मैं हर चीज़ खाती हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ती। हाँ नहीं नहीं, मगर आप बहुत अच्छा, आप अच्छी हैं, मुझे तो मुझे ऐसे वाला फिगर चाहिए। आप बताएं आपकी सेहत का क्या राज है? यार मैं ना, मैं एक्स्ट्रा कोई ना प्रोएक्टिव होती हूँ ना, मैं कोई ढेर सारे इतने काम करती हूँ, इतनी मैंने जगह पर टांगे, हाथ बाजू फंसाए हुए, अड़ाए हुए हैं, ये देख ले शेज़ के कशन देखे आप जरा। एक्चुअली आई एम वेरी लाइक हैप्पी व्हेन आई सी माय सेल्फ इन द कैमरा, अच्छा लगता है अपने आप को अच्छा प्यार होते हुए देखना, अच्छा लगता है अपने आप को संभालने की। फर्स्ट फंडामेंटल रूल है लड़कियों का, सबसे पहले खुश होती है अपने आप को देखे।